नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम जैना। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। गुजरात सरकार के द्वारा लॉकडाउन होने के बाद भी अहमदाबाद शहर में हजारों की संख्या में कोरोना संक्रमित लोगों का मिलना जारी रहने के बाद अहमदाबाद के कमिश्नर विजय नेहरा को सरकार ने हटा दिया है और उन्होंने अहमदाबाद में नए कमिश्नर मुकेश कुमार को इस महामारी से लड़ने के लिए नियुक्ति की है। लेकिन उनके आते ही मुकेश कुमार ने तत्काल प्रभाव से अहमदाबाद शहर में सभी दुकानों को बंद करने का जो काम किया है उसको लेकर एनसीपी के लीडर जयसिंह चावड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि सरकार के द्वारा लॉकडाउन का पालन करवाने के नाम पर एकदम से जो यह सभी दुकानें बंद कर दी गई वह गलत है, इससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए सुनाते हैं क्या कहा। तब ऐसे सरकार को फैसलों से प्रजा और भी परेशान हो रही है। सरकार ने जल्दबाजी से लिया हुआ फैसला प्रजा को कौन सी तरफ ले जाएगा और सामान्य जन जीवन का क्या? क्या सरकार को इसे विषय में पहले से नोटिस नहीं दी जा सकती? सरकार का ये फैसला गैर जिम्मेदार और तानाशाही जैसा लगता है। जय हिंद, भारत माता की जय।